Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Khushi's Life. तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि हमने करवा चौथ की शॉपिंग कहाँ से करी ताकि आप लोग भी सेम ले सके. तो लेट्स गो. तो गाइस, अब हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये शोम को भी नींद आ रही है. और अब सोएगा तो चलेगा नहीं हमारे साथ, तो ये नहीं जा रहा है हमारे साथ और हम लोग जाएंगे सारे के सारे. तो लेट्स गो. हम लोग जा रहे हैं जल्दी से, इसकी नींद पूरी ना हो रही. बात मुझे एक से बताओ. तो गाइज, आज दशहरा भी था तो झांझी भी सिलती है आज के दिन, तो हम झांझी सिलाने आ गए थे पहले, फिर हम जाएंगे शॉपिंग पे. तो अभी हम लोग आ चुके हैं चांदनी चौक की पार्किंग में, तो अभी हमने कार पार्क करी है जस्ट, और तब हम जाएंगे ऊपर. कैसे फील हो रहा है शादी के बाद आए हो ना? शादी में आए थे लास्ट, क्या फील हो रहा है आपको बोलो? आते ही थक गए. तो गाइज, हमने गेट नंबर 1 से, जो पार्किंग का गेट नंबर 1 है, वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं. अब जा रहे हैं हम पराठे वाली गली में. तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम बाय ऑटो चाहें या बाय वॉक चाहें. तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं बाय रिक्शा. तो यहाँ से रिक्शा पराठे वाली गली में जाने के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं. तो अगर आप लोग जाना चाहें बाय वॉक तो आप वॉक से भी जा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप रिक्शे से जाएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही थक जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी होती है. रिक्शा में बैठने के बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग आए थे, मतलब जो पराठे वाली गली में जाने के लिए रास्ते में थे. तो ये पता नहीं कौन सी गली है, बट जहाँ पर भी आप लोग रिक्शे से जाएंगे या बाय वॉक जाएंगे तो आप लोग इस गली में आ जाएंगे. और यहाँ पर बहुत सारा दिवाली की डेकोरेशन का काफ़ी अच्छा अच्छा सामान आया हुआ था, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें अगर आप लोग डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने घर पर सुंदर सी. अभी हम लोग आ चुके हैं पराठे वाली गली में, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया. ज़्यादा अलाउ नहीं होता यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत दिखा पाऊंगी. तो इस गली के अंदर सारी ही दुकानें एकदम अच्छे अच्छे ड्रेसों की थी, डेकोरेशन का सामान भी था. तो ये है पराठे वाली गली, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को ड्रेस वगैरह नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मना कर देते हैं वीडियो वगैरह शूट करने के लिए. तो जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाती हूँ. तो चलते हैं अभी आगे हम लोग शॉपिंग करने के लिए. वैसे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन था दशहरा. तो आप सब लोग जानते हैं कि जो लाल किला होता है वहाँ पर दशहरा बनाया जाता है काफ़ी बड़ा, तो उसके चक्कर में यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपें बंद थी. है तो मम्मी यहाँ पे कपड़े वगैरह देखने गया, लोग यहाँ पे जा रहे हैं गाउन वगैरह देखने. यहाँ पर कैमरा तो अलाउ नहीं था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई. मैंने बाहर बाहर से यहाँ पर शूट करा, ऐसे गाउन थे यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें पसंद नहीं आए. तो थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस बाहर आ गए और हमने खाए काफ़ी सारे गोलगप्पे, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ खाते हुए जा रहे थे सारे में. दशहरा वाले दिन यहाँ की जो मार्केट होती है वो जल्दी बंद हो जाती है 4 बजे ही, और यहाँ पर हम लोगों को 3:30 हो चुके थे और सारी की सारी दुकानें बंद होने लगी थी. बट हमें कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं था यहाँ पर. तो हम थोड़ा सा और सर्च करने लगे कि कुछ मिल ही जाए. फिर हमें एक शॉप मिली, हम लोग वहाँ पर गए एंड हमने अपने सारे के सारे क्लोथ वहीं से लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा था. और यहाँ पर पापा दोबारा से लस्सी पीने लगे, और इसी लस्सी जहाँ पर हम पी रहे थे इसी के सामने वो शॉप थी जहाँ पर ये रेड गाउन है, यहाँ पर वो शॉप है. और काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर वैरायटी मिली, हमने सारे के सारे कपड़े यहीं से ले लिए, क्योंकि हमारा एक तो टाइम ख़त्म हो रहा था और हमें जो चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया था. और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कलेक्शन का वीडियो बनाऊँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा, तो मैं वो भी बना सकती हूँ, आप लोग कमेंट करें. तब तक के लिए वीडियो को इंजॉय करें. तो हमने जितने भी क्लोथ लिए थे वो ये भैया पैक कर रहे हैं, अब जल्दी से पैक करते ही फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. और जैसे ही पैक करते हैं फटाफट से हम लोग तो भगेंगे यहाँ से, क्योंकि सारी की सारी शॉप बंद हो चुकी है. करो इनकी फिटिंग कैसे करेंगे पहले? तो जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे थे तो वो भैया भी हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करके देखने लगे कि कौन सा यूट्यूब चैनल है. तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे,
तो हम भी उनके साथ बात करने लगे और उनको हमने अपनी वीडियोस भी दिखाई काफी सारी। अभी हमने काफी सारी चीजें ले ली है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदा है यहाँ से, तो स्टे ट्यून्ड। चलो, ये जो सहरा टाइप का चुनरी लगाया था, सहरा चुनरी लगाया था आपने अपनी शादी में? सहरा नहीं लगाया था बाबा इन्होंने अपनी शादी में? नहीं लगाया था? लगाया था कोई? सहरा क्या हुआ? लो, अरे आगे जो मुंह छुपता है, मुंह छुप जाता है जिससे वो लड़ी लड़ी सी होती है। अरे क्रिंज हो गया तुम? क्या क्रिंज हो गया तुम? लगाते हैं वो पूरा चांदनी चौक हो चुका है बंद, देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो प्लेट वगैरह। तो ये हम लोग आज हैं प्लेट खरीदने, और इस वाली शॉप से हमने ले ली थी करवा चौथ की जो प्लेट वगैरह होती है, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ था थोड़ा सा अलग दिखने के लिए हमने यहाँ से ये प्लेट भी ली थी। तो ये वाले भैया हमारे प्लेट वगैरह को पैक कर रहे थे, तो ये वाले भैया अभी लाइक एक हाथ लो एक हाथ दो जल्दी से। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, हम जा रहे हैं वापस घर पे, तो लेट्स गो। थोड़ा सा दूर चलते ही मिल गए थे हमें ये कुल्फ़ी वाले भैया, ऐसी रील मैंने काफ़ी सारी देखी हुई है, मतलब जो ऐसे कुल्फियाँ बनाते हैं रील पे काफ़ी देखे हैं, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कभी देखा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इनसे ले लेते हैं एक कुल्फ़ी, कैसी बनती है ये और कैसी लगती है। तो यहाँ पर व्लॉग वगैरह हमने करा कि कैसी बन रही है ये, पर अगर हम पूरा डालते तो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, तो हम यहीं पर थोड़ा सा व्लॉग को डाल देते हैं, बाकी हम लोग आपको बताते हैं कि कैसी है ये। लो जी ले भाई, खा के देखिए। अरे तो ऐसी है, जल्दी करो जमती रहती है, ले आ जाओ चेक करो ठीक है। ये मुंह बन गया है अच्छी लगी क्या? तो ये वाली कुल्फ़ी का तो एक्सपीरियंस था मेरा बेकार। अब हम जा रहे हैं वापस से घर पे, और यहाँ पर है दशहरा सेलिब्रेट, ये यहाँ पर लाल किला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ था। बाकी अब हम लोग घर पे जाते हैं। चलो भलाओ भगवान मान जाओ। और ये हमेशा मुझे ऐसे ही रिटेट करते रहते हैं। खुद ही बंद हो गया। और ये आ गया हमारा खाना, क्योंकि अब इतना लेट घर पर जाकर कोई भी खाना नहीं बनाने वाला। वैसे भी हमारी आज थोड़ा सा फंक्शन था सोसाइटी में डांडिया नाइट, तो वैसे भी हम कोई नहीं बनाता, तो यहीं से बाहर से खा के चल रहे हैं हम लोग।